छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के डूमरपानी गांव की यह एक सामान्य सुबह है। सुबह सुबह ग्रामीण पानी लेने के लिए घरों से निकले हैं। गांव के ज्यादातर लोगों के हाथों में बर्तन के साथ लाठी भी दिख रही है। इसकी वजह पूछने पर ग्रामीण बताते हैं, हमारे गांव में क्लोराइड की मात्रा अधिक है, जिसे बच्चे लोगों को और बूढ़े लोगों को भी ये सब चीज़ मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें दांत पीलापन आना, ये सब चीज़, और घुटने में दर्द, शरीर में कमजोरी, और वही लेंगड़ापन की शिकार भी बन जाता है। पहले तो नहीं जानते थे फ्लोराइड क्या होता है। कोई संस्था आए और जांच किए तो उससे पता चला कि ये पीलापन की मात्रा क्यों हो रहा है। हम असमंजस में पड़ गए थे। नलकूप में निकलता पानी दिखने में जरूर साफ लग रहा है, लेकिन इसमें फ्लोराइड जैसे घातक प्रदूषक मिले हुए हैं। पानी के माध्यम से शरीर में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे गांव के लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर बस वही डॉक्टर के पास जाने से वही बस पानी से होने का कारण बताते हैं। छत्तीसगढ़ का कांकेर जिला इस समस्या से जूझने वाला कोई इकलौता जिला नहीं है। मोंगाबी हिंदी ने छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड और उड़ीसा के फ्लोराइड प्रभावित गांवों का जायजा लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती। यहाँ जो फिल्टर मशीन है पड़ा है कि 4 या 5 लाख का है ना, फिल्टर ही नहीं हो रहा है, बस पूरा खराबी पड़े हैं मशीन। यहाँ से पानी को ले जाते हैं पकड़ कर जाँच में, कुछ होना जाना कुछ नहीं। फ्लोराइड की वजह से ग्रामीणों का स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है, इससे सामाजिक स्थितियां भी बदल रही हैं। बाहर से जो शादी होकर आते हैं ना बेटी भाई हमारे यहाँ, तो अच्छा उनका दांत साफ रहता है। यहाँ आने के बाद धीरे धीरे वो भी बदल जाता है। यहाँ से लड़की मांगने पर थोड़ा नकारी करते हैं, उसका दांत ठीक नहीं है तो उसका क्या ठीक नहीं है, तो पैर ठीक नहीं है, ऐसे होता है ना सर। अच्छा, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनको शादी में प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम होता है। जानकार इस समस्या का समाधान फ्लोराइड फिल्टर में देखते हैं। ऐसा फिल्टर जो पानी की अशुद्धियों को निकाल दे और ग्रामीणों तक इसकी पहुँच को सुलभ बनाए। एवरी ईयर हर साल एक निश्चित मात्रा में सैंपल लेकर पानी की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और लैब की रिपोर्ट को जनता के साथ साझा भी करना चाहिए। जांच के नतीजों के आधार पर समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाने चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा। सरकार हमेशा इस समस्या को नकारने में लगी रहती है, वह शिकायतों पर सुनवाई नहीं करती। सरकार इस मामले को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं दिखती। फ्लोराइड की समस्या सिर्फ पीने के पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि खेतों में भी यह एक समस्या हो सकती है। इसके अलावा रोजगार की समस्या भी इससे जुड़ती है और कई सामाजिक समस्याओं की जनक है। Also leads to a lot of social problems.